केजरीवाल सरकार ने 3.85 करोड़ रुपए की खरीदी कार। अरविंद केजरीवाल की 2Z+ सुरक्षा पर कितना खर्च? RTI रिपोर्ट से आम आदमी पार्टी के VIP कल्चर पर खर्च का खुलासा। दिल्ली और पंजाब की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी आजकल गुजरात और हिमाचल में चुनाव प्रचार में जुटी है। यहां पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और पंजाब के CM भगवंत मान खुद को फक्कड़ बता रहे हैं। मान साहब ने तो एक सभा में ये तक कह दिया कि केजरीवाल के फोन में बैलेंस ही नहीं रहा। इन्होंने पता सामने से क्या कहा, कहता मैं आपको इसलिए वापस नहीं कर पाया, मेरे वाले में है ही नहीं, सिर्फ आता आता ही है, जाता नहीं है। लेकिन एक RTI में खुलासा हुआ है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2014 से 2022 तक कार खरीदने पर 3,85,96,000 रुपए खर्च किए हैं। ये वही केजरीवाल है जो कभी कहते थे कि मैं बंगला गाड़ी कुछ नहीं लूंगा। तब केजरीवाल एक नीली रंग की कार में चला करते थे, लेकिन रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक केजरीवाल की कार पर 1,43,35,135 रुपए खर्च हुए हैं। डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के लिए 44,29,515 रुपए की कार खरीदी गई है। मंत्री सत्येंद्र जैन की कार के लिए 44,79,052 रुपए खर्च हुए हैं। मंत्री गोपाल राय की कार खरीदने में 40,35,871 रुपए खर्च हुए हैं। कैलाश गहलोत के लिए 37,77,000 और राजेंद्र पाल गौतम की कारों पर 37,78,522 रुपए खर्च हुए हैं। 2014 से अब तक दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कार खरीदने पर कुल 3,85,96,017 रुपए खर्च किए हैं। साल 2021 में केजरीवाल के आवास 6 फ्लैग रोड सिविल लाइन्स को संवारने में भी 10 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए थे। AK बिल्डर्स नामक कंपनी को 8,61,63,000 की राशि आवंटित की गई थी, लेकिन इतने में काम पूरा नहीं हो पाया था। गुजरात दौरे पर अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो आपने जरूर देखा होगा जिसमें वो सुरक्षा लेने से मना कर रहे हैं। केजरीवाल को 2Z+ सुरक्षा मिली हुई है, एक केंद्र की तरफ से बतौर दिल्ली के CM होने के नाते और दूसरी पंजाब सरकार की तरफ से। आम आदमी पार्टी पंजाब का संयोजक होने के नाते, यानी कि जिनके पास 2Z+ सुरक्षा है, वो गुजरात पुलिस से सुरक्षा नहीं लेने की बात करते नजर आए थे। पंजाब के CM भगवंत मान एक तरफ कभी केंद्र से स्पेशल पैकेज की मांग करते हैं, वहीं दूसरी तरफ पंजाब सरकार केजरीवाल की सुरक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। BJP नेता मजिंदर सिंह सिरसा का आरोप है कि केजरीवाल के पास पंजाब के 90 सुरक्षा कर्मी हैं, राघव चड्ढा के पास 45 गनमैन हैं, भगवंत मान जी की बहन के पास 20 गनमैन हैं, भगवंत मान की सुरक्षा में 450 गनमैन हैं, 12 लैंड क्रूजर गाड़ियां, 32 स्कॉर्पियो, 18 जिप्सियां हैं। पंजाब सरकार की 2 करोड़ की लैंड क्रूजर केजरीवाल के पास है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने बीते दिनों वर्ल्ड बैंक से 150 अरब डॉलर यानी कि करीब 10,000 करोड़ का लोन बेहद ऊंची ब्याज पर लिया, ताकि खराब हो रही अर्थव्यवस्था में कैश फ्लो बना रहे। ऐसे में इतनी बड़ी फिजूल खर्ची की उम्मीद किसी पंजाबी को नहीं होगी, क्योंकि पंजाब पर पहले से ही 5,00,000 करोड़ का कर्ज है। केजरीवाल समेत उनका पूरा सियासी कुनबा खुद को आम बताते हैं, लेकिन RTI की रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वो VIP कल्चर को बढ़ावा देते दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि गुजरात और हिमाचल की जनता आने वाले चुनावों में क्या फैसला लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत न्यूज़।